अस्सलाम वालेकुम गाइस, आ चुके हैं हम लोग एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, एक मज़ेदार रिएक्शन, आई बहुत ही मीन मजेदार। मतलब मज़ेदार टॉपिक है कि इंडियन अमीर लोग और पाकिस्तानी अमीर लोग। वैसे ये एक मज़े की बात है कि हमें पाकिस्तान में अमीर लोगों को कम पता है कि कौन कौन से, क्योंकि क्योंकि हम इतने लोग ज़्यादा हाँ अमीर नहीं है। और इंडिया के बहुत होंगे, मे भी सारे होंगे। होंगे होंगे तो बहुत ज़्यादा जिनके नाम मतलब पूरी दुनिया में हो। तो जिस तरीके से इंडियन बहुत सारे लोगों के नाम है, जैसे कि वो अंबानी हो अंबानी, गया और हाँ वो, क्योंकि रतन हम उनके टाटा बारे में जी हो जानते हैं ना, गए, हमने उनके बारे में और बहुत ज़्यादा लाइक आप लोगों को बताया, उनको आप लोगों को बताया, आप लोगों को पता है। पता है। तो खैर, अभी जो वीडियो है उसका टाइटल है इंडियन अमीर लोग वर्सेस पाकिस्तानी अमीर लोग, हिंदी में लिखा हुआ है। अब मुझे बिल्कुल करेक्ट नहीं पता कि ये यही लिखा हुआ है हाँ तो, क्योंकि एक भाई ने सजेस्ट की थी। और गेट फ्लाई फैक्ट्स की ये वीडियो है, बंदे के पास नॉलेज अच्छा है, अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो लेट्स गो, इसमें भी चेक करते हैं कि कितना नॉलेज है और कितनी, आई मीन इसमें क्या क्या है। और इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लारा के चैनल का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल मिल जाएगा, जाएगा। सब्सक्राइब करना है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और एक व्लॉग चैनल भी है मेरा जाति, उसको भी सब्सक्राइब करना है। जाती इंस्टाग्राम जाती इंस्टाग्राम्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमारे मिलेगी। अगर सारे इसी सोशल तरीके से मीडिया आप हैं, लोग कोई या वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो तो आप वो भी बता कर सकते सकते हैं। हैं। और लारा को भूख लग रही थी तो इसने कहा, भाई मेरे से तो नहीं रहा जाता टाइम वीडियो, नहीं है हाँ तो मैं खा लूँ साथ साथ। ओ, क्या बिजी लोग। बहुत हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और फोर्ब्स के 2021 की रिपोर्ट के हिसाब फोर्ब्स, से आज इंडिया ये फोर्ब्स है तीसरी ऐसी क्या? कंट्री है जहां दुनिया के सबसे फोर्ब्स ज्यादा बिलियनर्स हैं, इंडिया पूरे तीसरे नंबर पे आ रहा है, 237 वाओ। बिलियनर्स। और वहीं पाकिस्तान पर कितने में इस होगा लिस्ट अभी में बताओ। पाकिस्तान का हैं, नाम शामिल तक नहीं है। शामिल ही नहीं है लेकिन ना ऐसा बिल्कुल नहीं यार। है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोगों का नाम इस तरीके से ना, मतलब ज्यादा पैसा बोलते ना नाम सामने आए। अच्छी बात नहीं बिलियनर्स है नहीं यार। है, नहीं, उनके हम लोग पास वैसे भी 10 मोटू बिलियन आया था, पाकिस्तानी अमीर मोटू आया था, बिलियनर्स वो हैं। टिकटॉकर पर मोटू। इंडिया के रईस हाँ और पाकिस्तान के रईसों में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, ना इंडिया है। में अमीर लोग इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर वगैरह में अपने पैसे खर्चते हैं, और वहीं पर पाकिस्तान के अमीर जैसे कि पीएम इमरान खान के एसेट्स में 4 बकरियां शामिल है जिनकी वाह, कीमत लगभग बकरियां। 1 करोड़ 12 लाख रुपए है। और तो और, इनके सिक्योरिटी में भी स्वर्ग और पाताल का अंतर है। आई मीन, जहां इंडिया में बिलियनर्स मिलियनर्स को सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वहीं पर हमारे आत्मनिर्भर पाकिस्तानी भाई लोग अपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करते हैं और आसिफ अली जरदारी की तरह 120 करोड़ की बंदूकें खरीदते हैं। पर दोनों भी देशों के अमीरों में इतना फर्क क्यों है? लेकिन 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 सबसे अजीब चीज तो यह है कि पाकिस्तान के ज्यादातर अमीर लोग पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। और ये राइट ये है, बिल्कुल ठीक है। ये चोर बिल्कुल है ना, राइट चोर बोल, है, इस वजह से मतलब अमीर हो ये, गए, हाँ, अमीर लोग जितने इतना भी हैं वो पैसा। सारे गवर्नमेंट वाले हैं। ऐसा क्यों है और क्या इसका और पाकिस्तान में होने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस का कुछ संबंध है? वेल फ्रेंड्स, लेट्स फाइंड आउट। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं दोनों भी देशों के सबसे अमीर आदमियों के कंपैरिजन करके। अब एज वी नो, इंडिया के सबसे अमीर आदमी है सबसे न्यारे हमारे तुम्हारे मोटा भाई अंबानी भाई, जिनकी मोटा आज के तारीख में नेटवर्थ है पूरे 100.7 बिलियन डॉलर्स, यानी कि 7 लाख करोड़ रुपए, जो उन्हें इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का करोड़। सबसे अमीर इंसान बना देता है। वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी फ्लेक्स एंड गेट कंपनी के कर्ता धर्ता शाहिद खान, जिनकी नेटवर्थ 66,000 करोड़ है। अब जहां पर अंबानी दुनिया के 10th सबसे मुझे पता नहीं रिचेस्ट था। आदमी है, वहीं पर शाहिद खान आराम से बैठे हैं 308th नंबर की कुर्सी पर। और इससे ये बात तो जाहिर है, अंबानी बड़ी आसानी से शाहिद खान से पैसों के मामले में तो जीत जाएंगे, लेकिन क्या शाहिद खान की लाइफस्टाइल अंबानी की लाइफस्टाइल को टक्कर दे सकती है? चलिए जानते नो हैं। इसमें ये सबसे पहले क्या तो ये है? देखेंगे कि कौन कितना पैसा कहाँ उड़ाता है। यहाँ पहले तो हम बात करेंगे गाड़ियों की। अब जैसे कि हर अमीर इंसान को बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने का बड़ा शौक होता है, वैसे ही हमारे शाहिद मियां को भी है, जिन्होंने अपने शौक के चलते अपने कलेक्शन में संभाल रखी है 1 करोड़ की एस्टन गाड़ियों मार्टिन, 11 करोड़ की पगानी हुएरा और 33 करोड़ की लैम्बोर्गिनी वेनिनो। लेकिन रुको जरा, ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। इसमें 2011 की लेयरजेट और 2013 की बॉम्बार्डियर भी शामिल है। पर वाह, ध्यान रहे, उन्होंने अब तक अपना पूरा कलेक्शन पब्लिक के सामने नहीं रखा। लेकिन हमारे मोटा भाई को कम बिल्कुल भी मत समझना। जहाँ लोगों के पास इसके छह पास तो सारा गाड़ियां कुछ नहीं ही होती होना है, है। वहीं पर मोटा भाई के पास गाड़ियां रखने के लिए 6 फ्लोर्स हैं,
जी हाँ सही सुना, 6 फ्लोर्स जिसमें 168 बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ियां पार्क की हुई है। इस कलेक्शन के कुछ स्पेशल मेंशंस है उनकी रोल्स रॉयस कॉलोनी, बेंटली बेंटायगा और सबसे वैल्यूएबल जर्मन कस्टमाइज्ड आर्मर्ड BMW 760i। इसकी कीमत ही केवल 10.5 करोड़ रुपीज है। अब यहाँ आई थिंक साफ साफ दिख रहा होगा किस राउंड के विजेता कौन है। दोनों बंदे ना गाड़ियों के मामले में तगड़े हैं। यॉट्स, अब अमीर इंसान के लिए ना गाड़ियां कुछ भी नहीं होती है, अल्टीमेट लग्जरी कहीं पे मिलती है तो वो है यॉट्स। शाहिद खान के पास है एक 312 फीट लंबा एक सुपर यॉट जिसका नाम है किस्मत, जिसके अंदर जो आप बोलो वो चीजें शामिल है। स्विमिंग पूल चेक, जिम चेक, बारबेक्यू एरिया चेक, मूवी थिएटर चेक, हेलीपैड वो भी चेक, और ये सब आपको मिलेगा 1,500 करोड़ रुपीज में। वहीं पर अगर हम अंबानी भैया के यॉट की बात करें तो ये भी फुल हाईटेक है। इस 58 मीटर्स लंबे यॉट पे सोलर ग्लास रूफ है, 3 अलग-अलग डेक्स है जो पियानो बार, लाउंज और डाइनिंग एरिया और रीडिंग रूम जैसी कई फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और वैसे तो इस यॉट की प्राइस कभी रिवील नहीं की गई है, लेकिन हमारे खुफिया सूत्रों के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 600 करोड़, यानी इस राउंड में किस्मत ने शाहिद भाई का अच्छा खासा साथ दिया। अब फ्रेंड्स सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्योंकि आप एक इवन स्टार्टअप्स बिजनेस वे, यस इट्स द वन इन 5 सिंपल बुलेट द डिस्क्रिप्शन। बस इतना ही नहीं, कन्वे के 20th October to 6th November ऑफर का अमाउंट डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में बाय कन्वे। सो हरी, ऑफर सिर्फ 6 November तक है, क्लिक ऑन दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब फाइनली हम बात करते हैं दोनों के घरों की। शाहिद खान और उनका परिवार इलिनॉय के एक बहुत ही आलिशान घर में रहते हैं जिसकी कीमत अब तक तो पब्लिक के सामने नहीं आई है, लेकिन उस एक घर के अलावा शिकागो के सबसे बड़ी बिल्डिंगों में से पार्क टावर में उन्होंने एक 60 करोड़ का पार्क टावर, साथ ही उनके पास फ्लोरिडा में एक बड़ा सा पेंट हाउस है जिसकी कीमत करीबन 86 करोड़ है और वो पूरे 360 डिग्री का व्यू देता है। वहीं सिर्फ इंडियंस को क्या, पूरी दुनिया को मैंने खाया वो हजम नहीं हो रहा। उनके 27 माले की बिल्डिंग पता है जिसके अंदर 3 हेलीपैड्स, एक बॉल रूम, 9 हाई स्पीड लिफ्ट्स, 50 सीट का मूवी थिएटर, टेनिस गार्डन, स्विमिंग पूल, स्पा, मंदिर और स्नो रूम, सब कुछ है। और इसकी स्नो रूम, घर देखो यार, 12,000 मंजिल का। अब यहाँ पे तो ये ऑब्वियस है कि कौन कितना पानी में है और कौन मस्त में तैर रहा है, पर बात तो ये है कि शाहिद खान को पाकिस्तान अपना सबसे अमीर इंसान तो कंसिडर करता है, लेकिन वो रहते हैं अमेरिका में, इसीलिए ये बंदा अमेरिका में रह रहा है। उन अमीरों को जो असल में पाकिस्तान में ही रहते हैं। अब हम ये तो जानते हैं कि अमीरों को गाड़ियां किस कदर पसंद होती हैं, चाहे वो अंबानी हो, रतन टाटा, अडानी या बिरला, लेकिन पाकिस्तान के अमीरों के शौक थोड़े अलग हैं। एग्जांपल के लिए पीएम इमरान खान को ही ले लो, उनके पास एक भी कार नहीं है लेकिन उनके पास 1,12,000 की बकरियां जरूर है, पर ये अकेले से पाकिस्तानी। लेकिन लेकिन इमरान खान का अमीरों में नाम नहीं आता है, मतलब अगर आ भी जाए तो हम लोग ये कहते हैं कि उसने खेल खेला है और पैसा कमाया, लेकिन उसने इस तरीके से पैसा नहीं कमाया, उसने जो पैसा था उसने बाकी कुछ चीजों पे लगा दिया, जैसे कि इंसानियत की हेल्प करने पे, ऐसी चीजों पे जिस तरीके से रतन टाटा जी ने लगाए हैं पैसे। नहीं है, पूर्व प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के पास भी अमानत के तौर पर करीबन 1 करोड़ की भेड़ बकरियां, गाय और घोड़े हैं, और एक अटपटा शौक जो ये पालते हैं ना वो है फर्नीचर कलेक्ट करने का। अरे सच्ची में डॉक्टर जफर मिर्जा जो पीएम को नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस और कोऑर्डिनेशन पे एडवाइस करते हैं, उन्होंने 20 लाख रुपए का फर्नीचर बना रखा है, और पीएम के स्पेशल असिस्टेंट अली नवाज अवान के घर में पूरे 4,41,600 रुपए का फर्नीचर है। वेल, इनके शौक कुछ भी हो, लेकिन उनके मिलियनेयर्स इंडिया के मिलियनेयर्स के आसपास भी नहीं आते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों भी देशों के टॉप 5 रिचेस्ट आदमियों को कंपेयर करें ना तो उसमें जमीन आसमान का क्लियर फर्क आपको दिखाई देगा। पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, जिस तरह हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं, उसी तरह पाकिस्तान के मिलियनेयर्स का काउंट दुनिया के सामने अलग और असलियत में अलग है। नहीं समझे कोई ना, ये देखो 3rd October 2021 में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने टोटल 11.9 बिलियन डॉक्यूमेंट्स को लीक किया, जिन्हें नाम दिया गया पैंडोरा पेपर्स। इन पेपर्स बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, वर्ल्ड लीडर्स के फॉरेन आइलैंड्स और बैंक्स में छुपाए हुए ब्लैक मनी का
पहले पनामा पेपर्स आया था ना, अभी पिंडोरा पेपर्स आया, और इसमें बहुत लोगों के नाम आए हैं, और पाकिस्तानी तो बहुत लोगों के नाम आए हैं, ब्लैक मनी वाले। और इन्हीं पेपर्स के अनुसार पाकिस्तान के 700 लोगों ने अलग अलग देशों में छुप छुप के प्रॉपर्टीज खरीदी, दो बंदों की। इन शॉर्ट पाकिस्तान में करीब 700 जितने मिलियनेयर्स हैं, जो सुन के मन में ये सवाल आता है कि अगर इन लोग मिलियनेयर्स हैं तो इसमें छुपाने जैसी क्या बात है भाई। वेल, उन लोग अपनी सच्चाई छुपाते हैं ताकि उन्हें पाकिस्तान सरकार को टैक्स ना भरना पड़े, या इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें परेशान ना करे पैसों के लिए, और इसी से बचने के लिए वो लोग स्कैम्स करते। अभी अभी टेररिस्ट वाला तो एक वैसे ही वो खाता ही खत्म हो चुका ना, ऐसा तो कोई सीन ही नहीं रहा। लेकिन हाँ, जहाँ पर टैक्स चोरी वाली बात है ना, वो ये बिल्कुल राइट कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स चोरी जो यहाँ पर पॉलिटिशियंस है ना, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो भी इस टाइम पे टैक्स चोरी कर रहे हैं, नहीं तो पाकिस्तान के ये हालात और हम लोग दे रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान के कई अमीर लोग ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स पे अपनी फ्रंट कंपनियां खोलते हैं, जो वही काम करती है जैसे उनका नाम है, यानी सिर्फ नाम की कंपनीज होती है, लेकिन उनका काम होता है इन अमीरों के ब्लैक पैसों को व्हाइट करना, या फिर ये रईस जादे अपने एसेट्स को इस कंपनी के नाम पे कर फिर टैक्स देने से मुक्त हो जाते हैं। और इनके दूसरे पैतरे का नाम है गिफ्ट स्कीम। अब जैसा हमने कुछ टाइम पहले देखा, कई सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और मिलियनेयर्स ने अपने एसेट्स बताते वक्त ये कहा है कि ये जमीन तो हमें रियासत में मिली है, या फिर ये गाड़ी तो हमें किसी अनजान आदमी ने गिफ्ट, रियासत में नहीं विरासत कर दी है, हमारी नहीं है भाई, हमारी थोड़ी ना औकात। क्योंकि जब भी अपनी गाड़ी या प्रॉपर्टी को गिफ्ट करके रजिस्टर करवाते हैं, तब वो उन चीजों पर टैक्स देने से बच जाते हैं। लेकिन इसके अलावा पैंडोरा पेपर्स रिलीज करने वाले ग्रुप ने जब 2016 में एक और एक सेट ऑफ पेपर्स पैनामा पेपर्स रिलीज किया था, तब उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने की हुई चोरियों के सारे राज देश के सामने, लेकिन अपने एसेट्स को इस तरह छुपाना पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62I के तहत गैर कानूनी है, जिसके तहत इसी साल नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया और उसकी सारी चीजों की नीलामी करने का आदेश दे दिया गया। पर इससे पाकिस्तान को किधर हुई थी, नहीं हुई ना। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि शायद पाकिस्तान में फिर एक बार इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए। 2020 में पैंडेमिक के कारण हर देश में आर्थिक तनाव था, लेकिन पाकिस्तान में इस आर्थिक तनाव की कोई सीमा ही नहीं रही थी। पिछले 12 सालों में उनका इन्फ्लेशन रेट 11% तक बढ़ चुका था। एक किलो आटे की कीमत 60 रुपए से ज्यादा हो गई थी, और वहाँ के लोगों की आधी कमाई अपने परिवार को दो वक्त की रोटी देने में ही खर्च हो रही थी। 14,000 रुपया तनख्वाह मिलता है और 4-5 बंदे हम खाने वाले हैं, उसको हम क्या करें। उसमें भी पाकिस्तान के सर पर जो इंटरनेशनल कर्जा था वो बढ़ के पूरे 44.5 trillion रुपीस जितना हो चुका है, जिसकी किश्तें चुकाने के लिए पीएम हाउस में रखे हुए 3 भैंस और 5 गाय के बछड़ों को पूरे 23 lakh रुपीस में नीलाम किया गया था। और उससे भी जब काम न बना, तब उन्होंने पीएम इमरान खान के घर को ही रेंट पर लगा दिया। अब यार तुम लोग ही देखो, ये सब कुछ करेगी पाकिस्तानी सरकार, लेकिन वहाँ के अमीरों को टैक्स भरने नहीं कहेगी। दरअसल बात ये ना भाई लोग, पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग टैक्स भरते हैं, और जो भरते भी है वो भी कुछ ऐसे होते हैं, मतलब 3.2 बिलियन की प्रॉपर्टी होने के बावजूद सिर्फ 3,000 रुपए टैक्स। बट अब तुम लोग बोलोगे यार पाकिस्तानी सरकार क्यों नहीं लेती अपने देश के एलीट क्लास से टैक्स। वेल, वो इसीलिए क्योंकि इस एलीट क्लास में खुद सरकार भी शामिल है, मेरा मतलब है सरकार चलाने। यही बात मैं भी कह रहा था कि यही लोग बैठे हुए तो ये टैक्स क्यों देंगे भाई। मैं यही बता रहा हूँ कि अगर टैक्स देंगे तो ये हालात ना होते। अले लोग, यानी 2020 में हुए वीट और शुगर क्राइसिस पे जब पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NBA ने इस साल छानबीन की, तब उन्होंने देखा कि ये सारे शॉर्टेजेस आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए थे ताकि प्राइसेस को बढ़ा सके। उसके कारण शुगर मिल के ओनर्स को पूरे 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और इन प्रॉफिट मेकर्स में कई बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि इमरान खान के खुद के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन, दूसरे थे उसी पार्टी के लीडर खुसरो बख्तियार, जो फिलहाल पाकिस्तान के इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के फेडरल मिनिस्टर हैं। सो ये सबूत क्या दर्शा रहे हैं भाई, दुनिया को दिखाने के लिए बेचा क्या जा रहा है और पैसे आ कहां से रहे हैं। लेकिन चीजें अगर सुधरी नहीं ना, तो वो ले आएंगे हमें दूसरे प्रॉब्लम्स पे, जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब पैनामा पेपर्स लीक हुए थे, तब इमरान खान ने नवाज शरीफ और उनकी सरकार के खिलाफ काफी आवाजें उठाई थी, उनके घर के बाहर बैठ के नवाज शरीफ को रेजिग्नेशन देने के लिए मजबूर किया था,
और जब इमरान खान इलेक्शन जीते थे तब उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि जो भी कानून तोड़ेगा हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और अकाउंटेबिलिटी मुझसे शुरू होगी और फिर मेरे मंत्रियों से और फिर यहाँ से वो आगे कंटिन्यू होगी। लेकिन पैंडोरा पेपर्स जब लीक हुए थे तब उसने इमरान खान के सारे मंत्रियों का पर्दाफाश कर दिया। उनके आधे मंत्रियों ने तो यूके, यूएस और दुबई जैसे देशों के ग्रीन कार्ड्स ले रखे और कईयों ने तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में फ्रंट कंपनीज खोल रखी है जिसके थ्रू वो करोड़ों का ब्लैक मनी छुपा रहे हैं। अब ऐसे में ऑब्वियस है कि उनकी ऑपोजिशन पार्टी भी उनके खिलाफ उसी तरह आवाज उठा रही है जिस तरह इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ उठाई। और ये किसका रहा है? पब्लिक का। दरअसल पाकिस्तान का ये फॉल्टी टैक्सेशन सिस्टम ही वो चीज है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो होने नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान का एज अ कंट्री एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है लेकिन टैक्सेस ना आने के कारण सरकार उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती कि वो अपने खर्चे उठा सके, इसीलिए पाकिस्तान की सरकार देश को चलाने के लिए। एक बात है कि इमरान खान के आने के बाद ना काफ़ी सारी ऐसी चीज कंपनीज हैं जो कि बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं, जिस तरीके से पेपर वर्क होता है, जिस तरीके से लोगों के जो बिजनेस थे वो रजिस्टर्ड नहीं होते थे। पहले तो एक शॉप है, नॉर्मल शॉप पाकिस्तान में कोई भी खोल के बना के बैठ जाता था। एक आप सैलून देख लो, एक सैलून है ना वो भी पहले ऐसे ही खुला हुआ होता था, उसमें कोई टैक्स नहीं कुछ। हाँ, लेकिन अब ये हो गया है कि ये 3-4 सालों के अंदर ना ये चीज़ें चेंज हुई हैं कि अब हर जो भी है ना वो रजिस्टर्ड होती है। अगर आप हर चीज रजिस्टर्ड होती है, अगर आप किसी आप एक रेंट पे घर भी लेते हो ना उसके उसका भी बहुत सारी यू नो फॉर्मेलिटीज होती है। तो जो सैलून्स वगैरह हैं वहाँ पे भी आप जाओगे आपको रजिस्टर्ड हुआ हुआ उनका एक बोर्ड सा छोटा सा लगा हुआ नजर आएगा कि हाँ इस पे ये बंदे काम करने वाले और ये चीजें। अभी टैक्स पेयर होता जा रहा है लेकिन ये इतना बड़ा गंद है कि हाँ वो लाइक टाइम लगेगा ठीक होने में। हमेशा फॉरेन एड्स और इंटरनेशनल लोन्स पे ही डिपेंडेंट रहती है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने टैक्सेशन सिस्टम को सुधारे तो शायद फ्यूचर में चीजें उनके लिए बेहतर हो सकती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के FACTI पैनल पाकिस्तान के मिलियनर्स ने जो पैसे चुरा के फॉरेन के टैक्स हेवेंस या अपने इलीगल पैसों को गोडाउन में जमा किया है उसका टोटल वैल्यू पूरे 7 ट्रिलियन यानी 5 करोड़ रुपए है। दैट इज माइंड ब्लोइंग। पर अब मेरा यहाँ पर एक ही सवाल है दोस्तों कि यार जब इनकी इकोनॉमी इतने लाले पड़े हुए हैं तो उसे सुधारने के बजाय पाकिस्तान हर दम इंडिया से कंपीट करने के पीछे क्यों तुला रहता है? वेल कुछ भी नहीं है, इस बात ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नीचे कमेंट से ये लोगों की बातें हैं। मैंने यही कहा ना कि मैं जवाब दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना जाती तौर पे अगर या ये इसकी राय या मेरी राय तकरीबन सेम ही होती हैं इंडिया से इंडिया को लेके, और हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि यार हम लोग इस तरीके से हैं कि भाई इंडिया को कम्पीट कर रहे हैं। या देखो चीज़ का एक लेवल होता है, हमें पता है कि हमारे पास इतनी सी जगह है और हमें इंडिया का भी पता है कि उसके पास इतनी सारी जगह है। हाँ। और इतनी सारी जगह में हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो हमसे नहीं कंट्रोल हो रहा, ठीक है। पहली बात तो हमारी गवर्नमेंट से नहीं हो रहा, और इंडिया इतनी बड़ी जगह पे बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे भी गुर्बत है हर जगह पे। तो खैर ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी, तो जिसकी जिसकी जो जो राय है वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे ये ताना देते हैं कि इसको किसी भी चीज़ का नहीं पता, इन्फॉर्मेशन का नहीं पता, तो ऐसा ऐसा पता चलता जा रहा है। अच्छी बात है। हाँ, तो खैर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, और अगर आप लोगों को कैसी लगी उस बारे में भी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और एक और वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।